all the honorable MLAs and MLCs who have come and who have a lot of experience. आप अगर मैं एज में आपसे जूनियर हूँ, इंटेलिजेंस में आपसे जूनियर हूँ, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में भी जूनियर रहूँगा, और मैं क्या बता दूँ आपको, आर्ट एंड क्राफ्ट डेवलपिंग योर ओन कॉन्स्टिट्यूएंसी बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंसीज वेर इन यू हैव लैक्स ऑफ वोटर्स एंड वी आर इन थाउजेंड्स. इवन देन लैक्स एंड थाउजेंड्स डजेंट मेक मच डिफरेंस बिकॉज द वेन यू हमारे गोवा में क्या होती है कि 50,000 40,000 30,000 में एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी वोटर्स होते हैं, उनको पर्सनल अटेंशन ज़्यादा होता है, किसी का बर्थडे होता है, किसी का शादी होता है, और कुछ भी जहाँ पे भी जाना है उनका अटेंड करना पड़ता है, बहुत ही मुश्किल होती है स्मॉलर स्टेट होने के कारण, स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंसी होने के नाते. लेकिन आपका एरिया जो इतना बड़ा फैला हुआ है और टू रीच आउट टू ऑल द कॉर्नर्स ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूएंसी, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड इट इज़ वेरी चैलेंजिंग टू रीच आउट एंड टू नो द नीड्स ऑफ दैट. व्हाट आई वुड ओनली से दैट we have got a good guidance from both the speakers. I do not know where I stand amongst them because maine jab mahana ji goa mein aaye the pura 1 ghanta unhone session liya tha aur pura jo hall tha jam pack tha aur taaliyon bajte bajte 1 ghanta nikal gaya tha. Itni behtareen tarike se unhone goa ko bhi ek bar address kiya tha. Aaj ke din main bahut hi भाग्यवान समझता हूँ. आई फील दैट आई एम हॉनर्ड एंड ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है उनके साथ में बैठने की, और जहाँ पे वो चेयर कर रहे वहाँ पे मुझे बात करने का अवसर मिल रहा है. आई एम वेरी वेरी मच थैंकफुल टू दी ऑर्गेनाइजर्स दी MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट. इन्होंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसको सजाया है और इट इज़ अ रिक्वायरमेंट, इट इज़ अ नीड ऑफ टुडेज सोसाइटी बिकॉज गुड लेजिस्लेटर्स एंड गुड पीपल शुड कम इन पॉलिटिक्स सो दैट वी फ्रेम अ गुड लॉज, वी डिलीवर गुड थिंग्स एंड वी कम आउट वेरी ट्रांसपेरेंटली इन वर्किंग विद द पीपल. इसी के साथ मैं शुरू करने जा रहा हूँ. मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि जो भी सब्जेक्ट्स आपको एड्रेस करने थे दोनों स्पीकर्स ने उसको उठा लिया है, और मैं कोशिश करूंगा आपको गोवा के बारे में जानकारी देने की. यू से दैट गोवा इज़ अ ब्यूटीफुल टूरिस्टिक डेस्टिनेशन, एवरीबडी लव टू कम टू गोवा टू मेक फन, टू एंजॉय एंड फॉर एंटरटेनमेंट. बट इफ़ यू लुक एट गोवा, वी ऑलवेज फील दैट गोवा हैज़ गॉट अ हाई लिटरेसी रेट, गोवा हैज़ गॉट हाई पर कैपिटल इनकम. ऑल दोज हु कम गोवा कैरी स्वीट मेमोरीज सेइंग दैट गोवा इज अ वेस्टर्न कल्चर स्टेट. इट इज नॉट. इफ यू गो टू सी गोवा इज मच मोर ब्यूटिफुल दैन वॉट वी सी इन द कोस्टल लाइन. द 25% ऑफ अवर जोग्राफिकल एरिया लाइज इन द कोस्टल बेल्ट, बट रेस्ट ऑल 75% यू विल फाइंड द वेस्टर्न गार्ड्स, बिग माउंटेन्स, वेरी नाइसली, वेरी फुल ऑफ नेचर, ग्रीन, everything you must enjoy that. I'll just take a care. I belong to a constituency. When I was born in my house, there was no electricity, there was no road connectivity, there were no schools, there was no health infrastructure. In this circumstances, even today जो लोग पहाड़ी पे रहते हैं उनकी समस्याएं अभी तक निपटी नहीं है. मुझे यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ से मैं आता हूँ वो ट्राइबल इलाका है, और मैं जहाँ से ट्राइबल लोग इलेक्ट होके आते थे और फिर भी डेवलपमेंट उतना हो नहीं रहा था, तो मैंने बहुत ही कोशिश की जब मैं MLA नहीं था तो उनके बीच में जाके उनकी समस्याओं का निवारण करने के लिए, उनकी नीड्स जो क्या है उसको देख के, वहाँ पे जो मेडिकल कैंप्स लगाने हैं, उनको अगर चश्मे देने हैं, लगभग मैंने 24 पहली दफ़ा जब मैं इलेक्ट होके आया था, आज के दिन मैं दूसरी बार आया हूँ, मंत्री बना हूँ, लेकिन पहली बार जब MLA बना था उसके पहले मैंने सोचा था, मैं व्हाट आई डिड इज आई सॉ टू इट द डेमोग्राफी ऑफ माय कॉन्स्टिट्यूएंसी, आई टुक दिस सेंसस ऑफ दैट एंड उसके बाद में एनालिसिस करके किस चीज़ की ज़रूरत इस विलेज में रहेगी उसका पूरा अभ्यास करके वहाँ पर मैं पहुँच गया. जहाँ पर सड़कें नहीं थी वहाँ पर सड़कें बनाने के लिए प्रयास किए, लोगों को लगा कि ये सही ढंग से, आज तक किसी ने उसका विचार नहीं किया था, नोबडी हैज़ गिवन अ थॉट. Till today, the young boy has come and he is trying to get everything done for all of us. You know, there were no educational facilities. वहाँ पे शाला बनानी थी, schools बनाने थे. जहाँ पे health infrastructure नहीं थे वहाँ पे nurses को लेके जाना, वहाँ पे medical camp organize करना, ये सब मैं चीज़ें करते गया और लोगों का विश्वास हो गया. और मैं
जहाँ पे मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो 54% ऑफ दी माय कॉन्स्टिट्यूएंस आर एसटी एंड आई डू नॉट बिलोंग टू दैट कम्युनिटी. इवन देन पीपल शोड दैट ट्रस्ट, उनका फेथ लेके मैं आगे बढ़ा. एक बार इलेक्ट होके आया, दूसरी बार भी इलेक्ट हो गया. आज के दिन आपको अगर देखा गए, ऐसी कोई भी अभी हिलॉक नहीं है, माउंटेन नहीं है जहाँ पे पहाड़ी पे आज के दिन रोड नहीं है पक्का. तो एक दो जगह पे पक्का नहीं होगा, लेकिन मेरा प्रयास है कि वहाँ पे पक्का सड़कें बने, वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी बने. आज तक 50% मेरा काम हो गया है, जहाँ पे पीने का शुद्ध नल का पानी पहुँचा दिया जाए. ऐसे बहुत ही रिसोर्सफुल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लेकिन फिर भी जहाँ पे माइनिंग बहुत ही अच्छे ढंग से मिल सकते हैं, माइनिंग रिसोर्सेज उठा उठा के लेके जाते हैं, गांव के लोगों को कोई फायदा नहीं है. यहाँ पे पानी बहुत ही है, लेकिन पानी सब गोवा में फैला जाता है, जहाँ पे पानी आता है वहाँ पे पानी का नल ही नहीं है. ऐसी स्थिति में मुझे लोगों ने मौका दिया और आज के दिन मैं गोवा के विधानसभा क्षेत्र में अभी मंत्री बन गया. और मेरे पास जो डिपार्टमेंट आए हैं वो है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, ये जनकल्याण डिपार्टमेंट. जो सही ढंग से मैं उसको, पहले तो उस डिपार्टमेंट को कोई महत्व ही नहीं था, जबकि मैंने ले लिया. मैंने मेरे दिव्यांगों के लिए काम करना शुरू किया. आपने सुना होगा नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर बार बार इसका ऐलान दिलाते हैं. जो पर्पल फेस्ट हमने गोवा में बनाया था, लगभग 5,000 डेलीगेट्स जो खुद ही दिव्यांग थे वो गोवा में आए. एक हफ्ता फेस्टिवल तो 3 दिन के लिए था, लेकिन एक 3 दिन का बहुत ही बड़ा फेस्टिवल वहाँ पे बना. और जो टोटल 21 डिसेबिलिटीज़ थी, हर 21 डिसेबिलिटीज़ के लिए हमने डिबेट रखे, मास्टर क्लासेस रखे, इन कन्वर्सेशन लगा. और वहाँ पे बहुत सारी अच्छी पॉलिसीज़ बनी ताकि भारत को एक अच्छा दिव्यांग के लिए काम करने का अवसर मिले. और इसी के साथ हमने उनकी जो प्रॉब्लम्स थी वो आइडेंटिफाई करके एक बेहतरीन तरीके से उसको सजाया. जो लोग बाहर से देखते थे गोवा बहुत ही सुंदर है, लेकिन किनारे नहीं जा सकते थे, उनके लिए अलग ढंग के चेयर्स बनवाए. जो समुंदर में नहीं जा सकते थे, लगभग 3,000 लोगों का क्रूज से उनका सफ़र करवाया. ये बहुत सारी चीज़ें, जहाँ पे ब्लाइंड के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट, इंटरनेशनल मैच भी रखे और नेशनल लेवल टूर्नामेंट भी रखे, बहुत सारी चीज़ें हमने दिव्यांग के लिए की है. और इसी के साथ फिर एक बार हम बनाने जा रहे हैं, और आई विल इनवाइट यू. इट इज़ हैपनिंग ऑन 8, 9, 10, 11 and 13 इन गोवा. पर्पल फेस्ट, पर्पल इज़ अ कलर मेंट फॉर दिव्यांग्स. एंड आई वुड लाइक ऑल दी MLAs एंड मिनिस्टर हु हैव कम हियर. January 8th to 13th, it's going to be an international festival because Narendra Modi ji, the Honorable Prime Minister, has declared it and he has directed the department also to take cognizance of that, and he has advised all the states to go in for such Purple Fest wherein the 10% of our population goes in Divyang. The person with disabilities, PWDs, इनको बेहतरीन सुविधाएं मिलनी है. उनके ऊपर जो एट्रोसिटीज होती है, इनजस्टिस होती है, उसको निकालना चाहिए. उनको एम्पावर करना है, एम्पावर इन एजुकेशन, एम्पावरमेंट इन द सोशल लाइफ, एम्पावर देम इकोनॉमिकली, एम्पावर देम इन एजुकेशनली, प्रोवाइड देम एम्प्लॉयमेंट. जो रोजगार उनको दे देना है, जो सक्षम है सक्षम बन सकते हैं, खुद के पैरों पर खड़े रह सकते हैं, वैसी सुविधा उनको प्राप्त करने के लिए बहुत ही एक अवसर दे दिया है हमने. और इस बार उससे बेहतरीन ढंग से हम इसको ऑर्गेनाइज करेंगे. फिर एक बार मैं एक आपको अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलप करनी है, जो पहली बार चुन के आते हैं और बार बार भी आते हैं, उनको एक काम करना होगा. जो पहले शुरुआती काल में, पहले 6 महीने में अपनी एक टीम बनानी होगी. ये मैंने बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक विश्वासु टीम अपना बनना चाहिए. और लिस्ट ऑल दी रिक्वायरमेंट, डोंट सी दैट वॉट यू ऑफर टू द पीपल, सी टू दैट वॉट आर द नीड्स ऑफ योर पीपल एंड अकॉर्डिंगली. हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनकी नीड अलग अलग रह सकती है. जहाँ पे जो रिसोर्सेज होते हैं उनको अच्छी ढंग से आप कैसे कैपिटलाइज कर सकते हैं, कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, और हमारे देश के और हमारे गाँव के आखिरी वक्त तक, अंत्योदय तक कैसे जा सकते हैं, इसके लिए हमें इस्तेमाल करना चाहिए. मैं सर की परमिशन से और एक चीज़ बताने चाहता हूँ. जो गोवा का इनिशिएटिव है, हमारे युवा और डायनेमिक चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत जी ने उसको अच्छी ढंग से सजाया है. उसका नाम है स्वयंपूर्ण भारत, स्वयंपूर्ण गोवा.
हम आत्मनिर्भर भारत के बारे में जानते हैं, जो नरेंद्र मोदी का स्लोगन है और उसी ढंग पे हम चलते हैं। लेकिन गोवा में आत्मनिर्भर भारत के अलावा और उसी के साथ चलने वाला स्वयंपूर्ण गोवा बनाने की कोशिश की जाए। ये स्कीम क्या है कि हमारे जो आईएएस ऑफिसर रहे और ग्रेड वन ऑफिसर्स रहेंगे, वो शनिवार के दिन, वीकेंड के दिन गांव में जाते हैं, गांव के पंचायत में आधा दिन बैठते हैं, सुबह के 9 बजे से 1 बजे तक, और गांव के अपना जो उनकी समस्याएं हैं वो कोई भी आ सकता है, उनको बता सकता है और उसकी उसको सुलझना ये अपना कर्तव्य मानते हैं। क्योंकि आईएएस ऑफिसर होते हैं और क्लास वन ऑफिसर होते हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही प्रभाव रहता है, उनको पता होता है कि इस समस्या का निवारण कैसे हो। तो हर हफ्ता हमारे गांव को किसी को भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, उनका कोई भी अगर ग्रीवेंस है उसको अटेंड हो जाता है, और गांव को अच्छी ढंग से किस कहां से डेवलपमेंट करना है और वो वहां पे भी तय करते हैं। इसीलिए ऐसी जो सुविधा है, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप अपनी गांव में जाके, क्योंकि पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते हैं कि गोवा के CM डॉक्टर प्रमोद सावंत ने ये जो स्वयंपूर्ण मित्र का इनिशिएटिव लिया है उसको बहुत ही अच्छी ढंग से गांव-गांव स्टेट्स में पहुंचना चाहिए। और मैं क्या बोलूं कि व्हेन वी आर द MLAs वी नीड टू सी दैट वी आर वॉच्ड, हमें हर कोई देखता है, हमें हम क्या कर रहे हैं, हमें लगता है हमें कोई देख नहीं रहा है, लेकिन वी हैव टू बी ट्रांसपेरेंट, वी हैव टू बी हॉनेस्ट, वी हैव टू बी लॉयल टू आवर वर्कर्स। आपको लगेगा कि ये चुन के आने के बाद ये लोग इतने परेशान करते, रात के 12 बजे तक हमारे घर आते हैं और सुबह 6 बजे भी आते हैं, सोने का टाइम नहीं है, फैमिली लाइफ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप समझ लीजिए, जब लोग आपके घर पे आते हैं ये मौका है आपको उनको सर्व करने का, लोग आप में बिलीव करते हैं, उनको लगता है कि हम मुसीबत में फंस गए तो आपके पास आया है, वो एक उम्मीद लेके आते हैं कि आप में वो क्षमता है इसलिए आते हैं। अगर उनको निग्लेक्ट कर दिया, आप 6 महीने उनको निग्लेक्ट कर दीजिए, कोई भी नहीं आएगा घर पे, अगर कोई भी नहीं आएगा तो आप गांव में भी नहीं जा सकेंगे। ये जो प्रॉब्लम है आम हमें फेस करना है, मोर द चैलेंजेस मोर द अपॉर्चुनिटीज, दैट इज द मंत्र ऑफ सक्सेस। इट्स बिकॉज ऑफ दैट आई से दैट डोंट निग्लेक्ट द पीपल, डोंट परेशान मत हो जाइए कि बार बार आ रहे हैं, लेकिन परेशान कुछ करने वाले बार बार आने वाले भी लोग उनको अच्छी तरह से समझ लो। जो लोग बार बार आते हैं ना और काम करके भी आपके उल्टे होने वाले हैं, उनको थोड़ा समझ के बाजू रख दीजिए, लेकिन आपके साथ में जो टीम करने वाली काम करने वाली टीम है वो बहुत ही हॉनेस्ट होने चाहिए। हमें मनोहर पर्रिकर जी, जे हमारे स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर जी बार बार बताते थे हमें, आपकी जो टीम है, जो भी आप चुनोगे, आपके साथ काम करोगे, आपके घर में काम करोगे, आपके कार्यालय में काम करोगे, आपके ड्राइवर होगे, बहुत ही हॉनेस्ट होने चाहिए, क्योंकि यही आपका सब कुछ बिगाड़ सकते हैं, पहली दफ़ा तो यही लोग हैं। इसीलिए मनोहर जी बोलते कि ड्राइवर को आप ऐसे मत छोड़िए और उनके साथ ऐसा भी बर्ताव मत कीजिए, और जो जो आपकी सीक्रेट्स, पॉलिटिकल सीक्रेट्स होगी और पर्सनल सीक्रेट्स होगी उनके सामने कभी भी मत बोलिए। सो ये एक तरीका है कि आपको अपना डेटा सेफ रखना है। मैंने बहुत ही देखा है, मेरे एक इलेक्शन में तो हो गया था कि मेरा डेटा ही एक दिन निकल गया, जो भी नंबर्स थे और मेरे पास नहीं है वो सभी इंफॉर्मेशन उनके पास थी। एक ही तरीका है, हम वी हैव टू गैदर द डेटा, द वर्ल्ड इज गोइंग ऑन विद द डेटा एंड यू नीड टू फाइंड आउट हाउ यू कैन रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। मुझे एक ही पता, मैं आपको एक ही बोलूँगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर, अगर जहाँ पे फार्मर्स होते हैं उनके लिए स्कीम्स कौन सी करनी है, यहाँ पे आपका एजुकेशन लेवल पे, यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स कहाँ पर इनको कौन सी चाहिए, ये सब करनी है। मैं जाते जाते आपको, मैंने जो भी इनिशिएटिव मेरे यहाँ पे बहुत ही ट्राइबल और बैकवर्ड और मोस्ट रूरल एरिया में मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है उनके लिए जो मैंने किया है मैं आपको बता दूंगा। मैंने एक ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट सेंटर बना है, ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट विलेज करके एक विलेज सेटअप किया है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडिंग लेके किया है। वहाँ पे हर रोज 1000 महिलाएँ जो ट्राइबल से बिलोंग करती है वो सारीज करेगी, हैंडीक्राफ्ट से वेविंग करके वो सारीज करेंगे, और ये जो गोवा का पैटर्न रहेगा, जो भी टूरिस्ट लोग आते हैं वो सारी, और ये सभी दालन हो गए, सभी के लिए पवेलियन होगा, पूरे देश से जो भी वहाँ पे आर्टिजियंस आते हैं उनके लिए दालन रहेगा। एक बहुत ही
ट्राइबल लोगों को एम्पावर करने के लिए ये मैंने किया है। ट्राइबल रिसर्च सेंटर भी फॉर्म किया है जहाँ पे रिसर्च होगा, ट्राइबल के बारे में स्टडीज़ होगी, उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, उनको इम्प्रूव करने के लिए उनको स्कीम्स कैसी बनानी है, उनको बेहतरीन शिक्षा देने के लिए क्या करना है, इसके बारे में सोच विचार करने के लिए ट्राइबल रिसर्च सेंटर भी किया है। मैंने बहुत ही मोड़ाई अपने CSR एक्टिविटीज़ से मैंने मोबाइल मेडिकल ट्रीटमेंट बसेस भी लाई है। ये मेरे 10 साल से चल रही है, 2 बसेस मेरे पूरे इलाके में घूमती है, हर दिन हर विलेज में एक एक दिन दोनों बाजू से जाती है और उनका जो ट्रीटमेंट करवाना है वो बस में आके बहुत ही पूरे मशीन के साथ आती है। इवन इफ़ somebody इज fractured, दे कैन diagnose, दे कैन टेक a X-ray एंड everything कैन बी डन इन दैट बस। इको टूरिज्म होम स्टे वाला जो एक मॉडल रखा है, जहाँ पे मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है बहुत ही पहाड़ी इलाके में है, जहाँ पे कोई होटल्स नहीं रहते, तो हर किसी को घर में एक होमस्टे वाला दूसरा एक रूम बनेगा, वहाँ पे वो सर्व करेगा, उसको फूड सर्व करेगा और सस्टेन करेगा अपने फैमिली को। जो भी पर्यटक आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, उनको रहने के लिए एक जगह भी मिलती है और साथ साथ उनको खाना, वो असली खाना, गाँव का खाना भी मिलता है। इको टूरिज़्म को लेके मैंने बहुत सारे प्रस्ताव रखे हैं और वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है। इको टूरिज़्म के साथ साथ वहाँ पे वेलनेस सेंटर भी बनना चाहिए। गांव के पहाड़ों में जाके अगर कोई किसी को 15 दिन रह के ट्रीटमेंट करवाना है, शुद्ध हवा में ट्रीटमेंट करवाना है, वो भी मुहैया कर दिया है। हमने एक 300 सेल्फ हेल्प ग्रुप को एक ही साथ में बहुत सारे जो यूटेंसिल्स होते हैं उनके, अगर कोई किसी के घर में पार्टी होती है 100-200 लोगों के खाना बनाना है, तो उस गांव में उस सेल्फ हेल्प ग्रुप के पास जो यूटेंसिल्स रहती है, प्लेट्स रहते हैं पकाने के लिए, जो भी साहित्य रहता है वो उनको मुहैया करवाया। और आज के दिन कोई बड़े कैटरर के साथ न लेते हुए हमारे हर कार्यक्रम में वो काम करते हैं। बाकी सब मैंने हेल्थ कैंप्स लगाते मैं लगाता हूँ। मेरा एक प्रॉब्लम मैंने पहले देखा था, गाँव के होने के कारण इन लोगों को जहाँ पे अगर उनकी आईसाइट कम है, कोई भी डॉक्टर के पास जाता नहीं, क्योंकि डॉक्टर के यहाँ पे हमारे डॉक्टर गोवा के बहुत ही बड़ा उस हॉस्पिटल भी है विजन केयर करके, उनके पास लोग जाते नहीं, गांव के लोग, जब तक उनको पूरा अंधत्व आता नहीं तब तक जाते नहीं। तो यहाँ पे टेस्टिंग तो छोड़ दीजिए, मैंने ऐसे बहुत सारे कैंप लगाते रहता हूँ और NGOs के साथ CSR एक्टिविटीज़ में लगभग इस गए साल में मैंने 6,000 लोगों को मुफ्त में चश्मा मुहैया करवाए। आई डोंट टेक मच ऑफ योर टाइम, बट आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू मिस्टर राहुल कराड़ जी, जिन्होंने बेहतरीन ढंग से इस नेशनल लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस बनाया है और युवाओं को प्रोत्साहित किया है, उनको इंस्पायर किया है कि वो पॉलिटिक्स में आए। मुझे किसी ने आज प्रश्न पूछा कि आपका मैसेज युवाओं को क्या है। हम कहते हैं कि लोग नेताओं को गंदा समझते हैं, करप्ट समझते हैं, तो आप क्यों नहीं आते हो? अगर कोई हमारे यूथ यहाँ पे दे आर फुल ऑफ नॉलेज, दे आर एजुकेटेड, दे नो, दे कैन फ्रेम द पॉलिसीज, दे कैन फ्रेम द गुड लॉज, दे कैन फ्रेम द गुड स्कीम्स, they can be transparent, they can be honest, why don't you come? Instead of blaming, sitting on the fence, you come down to the politics and let us clear off, and jo hame bharat ko ek mahan banana hai, aaj ke din bharat 5th economic power ban gayi hai aur usse aage jaake 30th kamang par 1-2 saal mein hame lena hai, to ye cheez karni padegi hame, sabhi jo MLAs hai, sabhi vidhayak hai, उनको विधायक काम करना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, लोगों की समस्याओं को निवारण करना पड़ेगा, और मोदी जैसे विश्व नेता है उनको उनके साथ में काम करना होगा और एक दिन भारत को विश्व गुरु के स्थान पर लाना होगा। इसी के साथ मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपको सुनने के लिए, आपने बहुत ही शांति से मेरा भाषण सुना है। मैंने भाषण लिख के दूसरा लाया था, लेकिन इनकी बात सुनते उन्होंने तो मेरे पॉइंट्स कवर कर दिए, तो मैं गोवा को आपके सामने रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय गोवा।